Good morning, student. I hope so you all are very fine and good at your home and doing revision work also. This one is also our revision work. I am writing here in bracket, that is revision work. रिविजन वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस ओवर, नंबर्स काउंटिंग दैट मींस एंड बैकवर्ड काउंटिंग एंड मिसिंग नंबर्स. इट इज द 4th क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर नेम्स? जैसे मैं इंसान हूँ बट मेरा भी कुछ नाम है ना, मेरा नाम अलका है. सेम वैसे हमारे मैथ्स में नंबर्स होते हैं और नंबर्स के क्या होते हैं, नाम होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज विच वन, इट इज 5, इट इज 4. हाउ टू आइडेंटिफाई 4? आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये 5 है, ये 4 है? बिकॉज इसका नाम है. जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आई एम अलका मिस. अब इंग्लिश वाली दूसरी आ जाएगी तो वो दूसरी मिस है ना. नाम से हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं ना. सेम ऐसे जो हमारे मैथ्स में नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी हमारे नेम्स के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. अब आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे ऐसे नंबर दिए हुए हैं, देन यू विल राइट द नंबर नेम. ओके, आपको क्या करना है, राइट द नंबर नेम्स. हाउ टू राइट दैट? इट इज 1. फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर. इट इज 1. देन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1? ओ एन ई, दैट इज 1. देन हाउ टू राइट? ओ एन ई, इट इज 1. ये 1 है इसलिए हमने 1 का नंबर नेम डाला है. हियर इज गिवन नंबर 2. देन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2? टी एच आर डबल ई और टी डब्ल्यू ओ. ओके, ऑफकोर्स टी डब्ल्यू ओ 2, दैट इज अवर सेकेंड नंबर नेम, टी डब्ल्यू ओ 2. नाउ हियर इज नंबर गिवन 4. 4 नंबर दिया है एंड व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 4? टी एच आर डबल ई, दैट इज द 3. देन 4, एफ ओ यू आर 4. देन वी विल राइट एफ ओ यू आर 4. ओके, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट इसमें ही सेकेंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कंप्लीट द नंबर नेम्स. ओके, कंप्लीट करना यानी आधा कुछ दिया हुआ है एंड सम आर नॉट रिटन देयर. कंप्लीट द नंबर नेम्स. ओके, कंप्लीट द नंबर नेम्स. नंबर नेम्स कैसे, सपोज यहाँ पे दिया है 2 एंड हियर इज रिटन टी. आपको टी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है ओ. अब आपको पता है कि 2 का स्पेलिंग क्या है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. सपोज हियर इज गिवन नंबर 5, देन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ओके, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. इसमें से सम लेटर्स आर ऑलरेडी गिवन देयर बट सम आर नॉट गिवन देयर. देन व्हाट यू विल डू, यू विल कंप्लीट द नंबर नेम. ऑलरेडी गिवन सम नंबर्स, ऑलरेडी गिवन सम लेटर्स ऑल्सो, 2 टी डब्ल्यू ओ. देन आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे बीच में W लिखना है. अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा है, ये वाला है. ओके, इट इज नंबर 5. देन हाउ टू राइट 5? 5 लिखना तो आता है बट आपको क्या करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है, एफ आई वी ई 5, जस्ट लाइक दैट. अगर यहाँ 3 दे दिया और स्पेलिंग दे दी ओके, देन हाउ टू राइट, यू नो वेरी वेल दिस इज 3, देन टी एच आर डबल ई, दैट इज 3. ओके, आपको इस पैटर्न से या इस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है. सो प्लीज रेडी डू रिवीजन वर्क इन योर रफ नोटबुक at your home, but be remember, do your work yourself. Okay, thank you for watching my video. Bye.